सिकंदरा में नौनिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर वाहनों में भूसे की तरह बच्चों को भरा जा रहा है। इसके लिए ना तो प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है और ना ही स्कूल प्रबंधन। कई घटनाएं भी होती रहती हैं, बावजूद इसके बच्चों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के साकिन बुजुर्ग गांव में माँ संतोषी टेक्निकल एवं औद्योगिक इंटर कॉलेज स्थित है। इस स्कूल की इको गाड़ी में 18 बच्चों को भूसे की तरह भर कर ले जाया जा रहा था। इससे पूरी तरह ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उनके पास गाड़ी नहीं है, इसके चलते वे अपने विद्यालय में प्राइवेट वाहनों का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ले जाया जाता है। जब RTO के अधिकारी सोमलाल यादव से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की एक ही गाड़ी में ज़्यादा संख्या में बच्चों को भरना अपराध है। ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करी जाएगी, मौके पर जाकर गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।